हमारे दोनों भाइयों को लगी हुई सुबह सुबह में चाय की चुस्की। वो भी किस्मत में नहीं। सुबह से उठ के आ गया ना हमारे भाई, नहीं बुझे से लग रहे दोस्तों, तो अभी उठ के आया है। हेलो फ्रेंड जोहार, एक बार फिर से हमारे 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी रात की 12 बज रही है और अभी हम हैं सूरत में। अभी हम एक होटल पे खाना खाने के लिए रुके हैं। आप पीछे देख सकते हो सारी बसें लगी हुई है और हमारी बस ये पीछे खड़ी है, निशा ट्रैवल्स की बस है और हमारे साथ सभी साथी भी है। तो अभी एक बार हम यहाँ इस होटल पर खाना वगैरह खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे दादा नगर हवेली 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। तो दोस्तों अभी हम होटल में खाना खाने के लिए रुके और अभी हमारे साथ जो हमारे प्रदेश के साथी हैं, चलो उनसे आपको एक बार मिलवाते हैं। लौटने वाले जाने वाले। फिर आगे दोस्तों हम खाना खाने के बाद अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और लगभग रात को 2 बजे वापी के आसपास पहुंचते हैं और ये वापी का टोल नाका है जहां अभी हमारी बस रुकी हुई थी टोल टैक्स कटवाने के लिए। और आगे अभी हम फिर से निकल गए हैं अपने सफर के लिए। और अभी दोस्तों सुबह की 4 बज रही है और अभी हम सम्मेलन से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान पर रुके हुए चाय पीने के लिए अपने साथियों के साथ, और सभी साथी ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारे दोनों भाइयों को लगी हुई सुबह सुबह में चाय की चुस्की। वो भी किस्मत में नहीं। भाई अभी चाय के इंतजाम में खड़े और ये क्यों पैसे चाय अभी हाथ में। आगे फिर फ्रेंड्स यहाँ चाय पीने के बाद हम आगे अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और सुबह में लगभग 5 बजे के आसपास 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन सिलवासा दादा नगर हवेली पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी ठंडे के मारे कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित भी थे, लेकिन अभी सुबह होने में लगभग 1 घंटा देर है। तो जैसे ही सुबह होगी फिर हम सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों अभी फाइनली सुबह हो चुकी है और हम हमारे दोस्तों के साथ अभी बिना मुँह धोए एक बार मुँह धोने के लिए और चाय पीने के लिए निकल पड़े। आगे अभी एक बार चाय की टपरी ढूंढेंगे, वहाँ चाय वगैरह पिएंगे और फिर आगे सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। और ये हमारे पीछे फ्रेंड्स अभी ठंड के मारे कांप रहे, इन्होंने तो मुँह भी खोला नहीं है और ऊपर सर पर टोपी भी लगाए हुए हैं। तो चलो आगे अभी चाय की टपरी ढूंढते हैं एक बार कहीं। अभी चाय की होटल तो मिली नहीं दोस्तों, लेकिन सुबह सुबह में अभी सम्मेलन वाली जगह पे जाम लगना शुरू हो गया है क्योंकि जो सम्मेलन रखा गया है वो सिटी में रखा गया है। यहाँ अभी जगह कम होने के कारण लगभग ट्रैफिक होने की पूरी संभावना है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लगभग भारत देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 13 से 14 लाख आदिवासियों के सम्मिलित होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि हम लगभग जहाँ से अभी सफ़र कर रहे हैं हमने लगभग 3-4 किलोमीटर तक गाड़ियों का जमावड़ा ही देखा है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। दोस्तों आज आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का दूसरा दिन है और अभी हम सुबह सुबह में उठ के आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन सम्मेलित होने के लिए आए। अभी नहाए वगैरह है नहीं, फिर चाय वगैरह, फिर भी एक बार क्या स्थिति है भगवान की वो देखा है, ऐसा करके आए हैं। और दोस्तों यह है सभा स्थल का मुख्य द्वार, यहाँ पे लिखा हुआ है आदिवासी एकता परिषद 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन दादा नगर हवेली सिलवासा। और सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार। दोस्तों अभी हम सभा स्थल के मुख्य स्थान पर और आप चे देख सकते हो ये पूरा नज़ारा ये सभा स्थल का। और यहाँ अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वास्तव का मुख्य द्वार
यह है मुख्य सभा स्थल का नजारा। अभी सुबह सुबह में लोग इतने आए हैं नहीं, लेकिन जो लोग रात को यहाँ रुके हुए थे वो लोग अभी सुबह में उठकर इधर उधर घूम रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आदिवासी संस्कृति की प्रदर्शनी की गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं की क्या भूमिका है और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है और समाज में उनके क्या पारंपरिक अधिकार हैं। दोस्तों हम आ गए हैं आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा हक अधिकार और आदिवासी इतिहास और आदिवासी महापुरुषों से संबंधित यहाँ पर जो शॉपें वगैरह लगी हुई है वहाँ देखने के लिए, और कुछ खरीदारी वगैरह भी करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ हाथ से बनाई हुई लकड़ी है जो होली पर गेंद वगैरह खेलने के लिए काम आती है, और ये रंग बिरंगे तीर धनुष लगे हुए जो आदिवासियों का मुख्य साधन माना जाता है। ये महिलाओं के पहनने के लिए काम आता है हाथों में। ये रुमाल वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे, पैसा नहीं यार। तो ये बहुत ही रंग बिरंगे बाजार हमें आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब महिलाओं के पहनने की चीजें है लगभग। महिलाओं से संबंधित ज्यादा चीजें लगी हुई है यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारे प्यारे धनुष, रंग बिरंगे रुमाल, और ये दोस्तों हमारी आदिवासी संस्कृति में जो पहले दूध वगैरह सास वगैरह निकालने के लिए घी निकालने के लिए जो यूज में आता था वह, और ये आदिवासी महिलाओं के परंपरागत गहने वगैरह रुमाल। ओहो पसंद आ, बहुत ही रंग बिरंगे रुमाल। यहाँ पर ज़्यादातर बाजार में तीर धनुष और आदिवासी महिलाओं से संबंधित चीज़ों की दुकानें ज़्यादा लगी हुई है, खासकर तीर धनुष की दुकानें बहुत सारी लगी हुई है। भैया कुछ तो ले लो यार। तो अभी हम ये जो प्रदर्शनी प्लाजा लगा हुआ है आदिवासी संस्कृति से संबंधित यहाँ जो भी चीज़ें मिलती है वहाँ पे, और हमारे दोस्त लोग कुछ ले नहीं रहे वजह से। हेलो माँ, लेता था हाँ ना यहाँ पे फ्री दिया मजा ना है। हमारे कमलेश भाई तो कुछ भी लिया नहीं, खाली देखने के लिए आए हैं। छोटा सा ले लिया, ये वाला लिया, कितने में लिया? ये मैंने लिया 30 रुपए का लिया है, और मैं अभी मेरी मंगेतर के लिए लेने वाला हूँ पर्स, और ऐसे भी ना कह रहे। मैंने कब ना कहा, जितना बजट उतना कहा। मैं नहीं लेना चाहता पर मैं उनको जीत करके आखिर में ले रहा हूँ। मर्जी जो रात को बहुत नींद निकली लगी है, और खाना कौन खिलाएगा? अभी तो मर्जी के बारे में इंतजार कर रहे हैं ये, और वहाँ जाकर थोड़ा स्विमिंग भी करेंगे। स्विमिंग भी करेंगे वहाँ का प्लान अच्छा रहेगा। यहाँ तो हमारा अभी तो फिलहाल फ्रेंड्स ना आया है नहीं, और सुबह सुबह में जो ये आदिवासी प्रदर्शनी लगी हुई है वहाँ पे हम थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने के लिए आ गए। ये सब हाथ की कलाकारी है, और लोगों के हाथ से बने हुए आदिवासी जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में मिलते हैं, तो उन्हीं को खरीदने के लिए भी दोस्तों के साथ यहाँ पे आने। सुबह से उठ के आ गया ना, आवाज आया नहीं बुझे से लग रहे दोस्तों, तो अभी उठ के आया है। हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बहुत अच्छा लगा है हमें 31वें आदिवासी महासम्मेलन। आशा तुम लोग कुछ क्या बात की, इतना अच्छा लग रहा है आपको? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई आप यहाँ 31वें आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन में आए हो,
तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और आप यहाँ से पूरे देश के आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ पे आके सब आए हैं और सब ये एक आदिवासी को एकता संबंध में एक जगह बैठना और एक जाजम पर बैठने का ये एक अच्छा अनोखा मौका है और यहाँ से पूरे देश के आदिवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि पूरे देश के आदिवासी एक मंच पे आए और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाए। दोस्तों इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, इसका मैं एक दूसरा पार्ट और बनाऊंगा। अभी हम सुबह सुबह में नहाए हैं नहीं, ऐसे ही एक बार सम्मेलन देखा है ऐसे करके उठ के तुरंत यहाँ पे आ गए थे, तो अभी एक बार नहाने के लिए चलेंगे और फिर फ्रेश वगैरह होंगे जैसे ही सम्मेलन का उद्घाटन होगा, फिर सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। तो चलो दोस्तों इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नए ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जोहार, बाय।